के नव्य मंदिर में आज दिव्य रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। रामलीला आज अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं और पूरे देश में उत्साह और दिवाली जैसा माहौल है। पीएम मोदी ने रामलीला के नए दिव्य और भव्य भवन के लिए पीएम आवास पर दीपक जलाए। वहीं राम की पैड़ी अयोध्या में दीपक जलाए गए। दीपावली जैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के आह्वान पर न सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। लोग अपने घर, दफ्तर, मठ मंदिर में दीपक जलाकर रामलीला विराजमान की खुशियां मना रखे हैं। देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के राम भक्त खुशी से झूम रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान की भूमिका में थे। पीएम मोदी ने रामलीला का विधि विधान के साथ दर्शन पूजन किया। इसके लिए पीएम मोदी ने 11 दिन के कठिन यम नियमों का पालन करते हुए अपना अनुष्ठान पूरा किया। इस दौरान पीएम मोदी कई राम मंदिरों में दर्शन के लिए भी गए थे। और वहीं अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा का हर्षोल्लास पूरे यूपी में नजर आया और अलग अलग शहरों में लोगों ने मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की। गली मोहल्लों और चौक चौराहों पर आज राम भक्तों की भीड़ रही। कहीं भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई तो कहीं राम धुन पर राम भक्त जमकर थिरकते भी नजर आए। अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शहर के भवरनाथ मंदिर में सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ भोजपुरी फिल्म स्टार आम्रपाली दुबे भी मौजूद रही। दर्शन पूजन के बाद सांसद ने अपने हाथों से लोगों को प्रसाद बांटा। इस मौके पर बीजेपी सांसद ने कहा कि वो आज बहुत खुश हैं। सभी राम भक्तों की तरह उन्हें भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी हो रही है। वहीं भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने कहा कि वो खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हैं, जो उन्होंने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखी। और पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया के राम भक्त जो है आज राममय हो गए हैं और हर कोई आज प्रभु श्री राम के आने की खुशियां मना रहा है। पूरा देश, पूरे विश्व में जितने भी राम भक्त हैं, हर कोई आज एक ही बात कहना चाह रहा है कि बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको अपने जीवन काल में ये इतना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामपुर भी भगवामय हो गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव कार्यक्रम भक्तों ने देखा। जगह जगह सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि आज के दिन ही रामपुर नहीं पूरे प्रदेश में उत्सव है। दिन में होली, रात में दिवाली जैसा माहौल है। ऐसे ऐतिहासिक मौके बहुत कम आते हैं। और जिस तरीके से जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो लोगों के अंदर एक अलग जोश था, लोगों के रोंगटे खड़े थे, क्योंकि आज 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम अपने घर में विराजमान हो रहे हैं और ऐसा पल शायद उनके जीवन में हम लोग सब साक्षी हैं इस पल के, कि हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि ये पल हम लोगों को सब देखने को मिला। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से हर शहर में अलग उत्साह और उमंग है। बुलंदशहर में भी ऐसा नजारा दिखा, जहां जय श्री राम के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। बड़ी स्क्रीन पर रामलला के दर्शन कर आरती उतारी गई, ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी की गई।
अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बस्ती में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। सभी मंदिरों पर भजन, कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया। बस्ती हनुमानगढ़ी मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। उन्नाव में मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। शहर के बड़ा चौराहा स्थित हनुमान मंदिर में भव्य सजावट की गई। राम मंदिर दरबार में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की लाइन लगी रही। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंदिर को सजाया गया है। सड़कों पर राम भक्तों ने जमकर आतिशबाजी कर जश्न भी मनाया। शिव की नगरी काशी भी राममय हो गई। बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे सभी राम भक्ति में रंगे नजर आए। महिलाएं झाल मंजीरे लेकर पूरे दिन कीर्तन भजन करती रही। वहीं विश्वनाथ धाम भी इस उत्सव में शामिल हुआ। प्रसाद वितरण के साथ बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। काशी के नाविकों ने पर्यटकों को मुफ्त में गंगा की सैर करवाई। तो ये शिव जी की कृपा है जो अयोध्या धाम बन रहा है। हमारे मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हिंदुत्व को जगाया उन्होंने, मंदिर और भगवान में भक्ति आसक्ति उन्होंने दिलाया लोगों। अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान कुशीनगर जिला भी राममय हो गया। कुशीनगर जिले के लोग रामोत्सव में डूबे नजर आए। मंदिरों में भजन कीर्तन हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने LED स्क्रीन पर प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव देखा। रामलला की भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा देखकर लोग भक्ति में डूबे रहे। मंदिरों में प्रभु श्री राम की विशेष आराधना हुई। PM मोदी ने जैसे ही प्रभु श्री राम की आंखों से पट्टी खोली तो लोग रामलला को निहारते ही रह गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते ही प्रतापगढ़ में होली खेली गई। चौक घंटा घर पर सैकड़ों भक्तों ने फूल और गुलाल से होली खेली। राम की भक्ति में राम भक्त जमकर झूमे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद माहौल बेहद खुशनुमा हो गया। प्रतापगढ़ में राम भक्तों ने अबीर गुलाल उड़ाकर अपनी खुशी जताई। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा जब हुआ तो जब लाइव प्रसारण आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा भाव कि प्रभु मेरे श्री राम हमारे शरीर के अंदर खुद ही आ गए हैं। बहुत मन प्रफुल्लित हुआ। 500 वर्षों का जो एक कठिन तपस्या थी वो पूरा हुआ। इससे मन भाव विभोर हुआ, आग से आंसू है, मन बहुत खुश है। प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थित परिस्थिति हो गए हैं। मऊ में जगह जगह DJ पर राम भजन गाए गए। इस मौके पर लोग जमकर नाचे। हर गली मोहल्ले और सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगते रहे। श्रद्धालुओं और भक्तों को प्रसाद भी बांटा गया। मऊ में हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन पुलिस विभाग की तरफ से कराया गया। सराय लाखांसी थाने में हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस विशाल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन पुलिस कर्मियों ने करवाया। News 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। रामलला अपने महल में विराजमान हो चुके हैं, लेकिन अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर अंदर से कैसा है? न्यूज 18 की टीम ने सबसे पहले मंदिर की भव्यता को अपने कैमरे में कैद किया। आप भी देखिए दिव्य तस्वीरें। तुम भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और RSS प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में प्रभु राम की इस भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो है उसका कार्यक्रम और पूजन संपन्न कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि ये कितना बेहद खूबसूरत बनाया गया है। बताया ये जाता है कि ये देश के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है। आप देख सकते हैं कि ये मुख्य एंट्रेंस द्वार है, प्रवेश द्वार है, जहां पर जब देश प्रदेश के राम भक्त यहां पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले यहां पर आपको प्रवेश करना होगा, जो कि मंदिर का मुख्य भाग है। आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से सजाया गया। हर एक पिलर पर तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी
एक जो यहाँ की एक किसान सांस्कृतिक विरासत है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, और तमाम ये देवी देवताओं जो हिंदू मंदिरों की पहचान रहते हैं उनको बेहद खूबसूरती के साथ नक्काशी की गई है। इस दौरान अगर इस पत्थर की बात करें जो कि आपको थोड़ा पिंक पिंक नजर आ रहा है क्योंकि ये पत्थर ही पिंक स्टोन कहलाता है। संकेत अगर अयोध्या की बात करें तो एक लंबे समय से सियासत हुई, एक लंबे समय तक संघर्ष हुआ, अब वो सपना राम भक्तों का साकार हो गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है वो सपना साकार हुआ है और इसमें आंदोलन हुआ लंबे समय तक, चाहे वो जनसंघ हो, उसके बाद जो RSS के तमाम दूसरे संगठन थे, बजरंग दल भी, बड़ा आंदोलन हुआ, लंबा आंदोलन हुआ और उसके बाद मामला न्यायालय में लगातार लंबे समय तक लंबित रहा और उसके बाद जो फैसला आया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये बहुत ही भावुक और अद्भुत क्षण है। रामलला लंबे 500 वर्षों से इंतजार में थे, सबको आशीर्वाद देते, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे यहाँ सुख समृद्धि शांति आती है, लेकिन वही टाट में रह रहे थे लेकिन अब आज से वो इस घाट में रहेंगे, यानी कि इस महल में रहेंगे। आप देख सकते हैं दूसरे मंडप में आपको ले चलता हूँ कि कितना खूबसूरती के साथ सजाया गया है। ये जो मंदिर बनाया गया है ये नागर शैली पर बनाया गया है और उन्होंने यहाँ करीब 3 साल तक रहकर एक एक पत्थर को इसको तराशा है और इसको बनाकर दुनिया का सबसे, देश का सबसे खूबसूरत मंदिर बनाया। ये आप देख सकते हैं कि ये दूसरा मंडप है, उसके बाद मुख्य एंट्रेंस द्वार है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि भगवान राम की आरती हो रही है ये, और आपको दूसरे मंडप की ओर ले चलते हैं। ये मंदिर परिसर का दूसरा मंडप है जहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मंदिर है इसमें काफी स्पेस है। पहले आपने देखा होगा कि जब भगवान रामलला का दर्शन करना था तो आपको काफी सकरे रास्तों से होकर गुजरना होता था, लेकिन अब एक समय में, एक दिन में 50,000 से अधिक जो राम भक्त है वो दर्शन कर सकेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी संदीप हैं, वो भी लंबे समय से रहे हैं, और निमिष जो की स्थानीय संवाददाता है अयोध्या के, इससे हम जानेंगे कि निमिष आज लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हुआ है, कैसा लग रहा है? 500 वर्षों का संघर्ष और आराध्य घर आ गए। 5 किलो सोने का उपयोग किया गया है। इस दौरान जो आप दूसरे मंडप में ले चलते हैं वहाँ पर तो दिखाते हैं कि ये जब आप मंदिर में दर्शन कर लेंगे तो उसके बाद श्रद्धालुओं को इस मंडप से होकर गुजरना होगा। ऐसे में हमारे सहयोगी संदीप भी हैं जो कि लगातार अयोध्या में भगवान राम की इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को कवर कर गए थे, उनसे भी हम बात करेंगे। संदीप कैसा लग रहा है और क्या खासियत है इस मंदिर जी? अभी आपने तस्वीर तो हम अपने दर्शकों को दिखाई है और अभी जब मैं जन्मभूमि पथ से आ रहा था मंदिर को, आप देख सकते थे अवध पूरी तरीके से राममय है और यही नजारा पूरे विश्व में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा ये राम मंदिर ही नहीं राष्ट्र मंदिर भी है, यानी कि हर एक की जनभावना यहाँ से जुड़ी है, पूरे 140 करोड़ देशवासियों की भावना यहीं से जुड़ी है। और राष्ट्र मंदिर का तात्पर्य यह है कि इस मंदिर के निर्माण में हर एक की भूमिका है, जन जन इससे जुड़ा, वहीं जन भागीदारी इसमें इतनी लंबी थी कि आप खुद अंदाजा लगाइए कि इतना समर्पण निधि आए कि अभी उसके ब्याज से ही मंदिर का निर्माण हो गया, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। इसके अलावा इस मंदिर में जो सामग्री का प्रयोग किया गया वो भारत के कोने कोने से, हर राज्य से भागीदारी है, चाहे वो श्रमिक हो हर राज्य से उसकी भागीदारी हो। तो इसको राम मंदिर ही नहीं एक राष्ट्र मंदिर भी है, हर एक की जनभावना इससे जुड़ी है। और साथ ही ये मंदिर बहुत ही धैर्य के साथ बनाया गया है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा 500 सालों के इंतजार के बाद, यानी कि लंबा धैर्य इसको सनातन धर्मियों ने इसके लिए रखा है। अवधपुरी का कुछ अलग ही नजारा है क्योंकि प्रभु राम की नगरी है, उनको अवधपुरी सबसे प्रिय थी, यहाँ का नजारा तो अलग होना स्वाभाविक ही है। राजीव, जैसा कि आपने सुना कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन उत्तर दिश सरयू बही पावन, आप देख सकते हैं कि ये जो मंडप है ये उसका, उसके बाद आप दोबारा इस मंडप से जो यहाँ पर राम भक्त पहुँचेंगे उनको इस मार्ग से वापस मंदिर के भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो ये कैंपस है, अभी इसको कंप्लीट होने में 2026 तक का वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले जो है मंदिर का मुख्य जो हिस्सा है उसको बनाकर तैयार कर दिया गया, जो कि किसी महल से कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि हम अंदर थे तब आपको सारे मंदिर के गेट दिखाए, मंडप दिखाए, और इसके बाद अब आप देख सकते हैं ये आउटर गेट है जिसके जरिए जो है जब भीड़ ज्यादा होगी तो श्रद्धालुओं को निकाल कर बाहर वो इस रास्ते से जा सकेंगे।
सामने जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है वो एंट्रेंस गेट है मंदिर का, उसके बाद इस परिसर में प्रवेश मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या पहुंचे थे तो अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई थी और तभी से दीपावली मनाए जाने का प्रचलन है। लेकिन असली दीपावली आज है, क्योंकि प्रभु राम आज टाट से घाट पर यानी कि अपने महलों में आए हैं, राम मंदिर में भव्य दिव्य राम मंदिर में विराजमान हुए हैं, वहां उनकी प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। 500 वर्षों का लंबा संघर्ष रहा है और यही कारण है कि जो आपको दिव्यता और भव्यता अयोध्या की गलियों और शहरों में नजर आ रहा है, गली मोहल्ले चौराहों पर नजर आ रहा है, वही दिव्यता भव्यता आज देश के हर हिस्से में नजर आ रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश का जिला हो या देश के अन्य प्रांत में, हर राम भक्त अपने घर में दीपावली मना रहा है, दीपक जला रहा है और भगवान राम के भजन गाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन नरेश सैनी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वीवीआईपी का जमावड़ा भी देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और राम की भक्ति में अंबानी परिवार भाव विभोर नजर आया। अंबानी परिवार ने आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2,51,00,000 रुपए का दान देने की घोषणा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि आज भगवान राम का आगमन हो रहा है, 22 जनवरी को पूरे देश के लिए राम दिवाली होगी। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी भी अपनी पत्नी श्लोका मेहता के साथ राम मंदिर में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इस इवेंट में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट भी मौजूद थे, वहीं ईशा अंबानी और उनके पति आनंद पीरामल भी मौजूद रहे। तस्वीरें देख सकते हैं आप, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने, इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने और अंबानी परिवार ने 2.5 करोड़ का दान भी दिया है राम मंदिर में। अंबानी परिवार को आप देख रहे हैं इस वक्त, उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। आकाश अनंत अंबानी भी साक्षी बने, अपनी पत्नी के साथ वो पहुंचे थे और 2.5 करोड़ का दान भी दिया है। प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक क्षण जिसके गवाह बने हैं अंबानी फैमिली, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी साक्षी बने हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, अंबानी परिवार की ओर से 2,51,00,000 का दान भी दिया गया। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।